Please stage par padhari, and of course, somebody who needs no introduction. He is the king of comedy in Bollywood. Johny sir, I'm going to request you to join me on stage, please. I request Hari sir to present a token of our appreciation to Sri Satyapal Singh ji. And Manoj sir to kindly present the bouquet to Johny sir. अपने सारे एक्टर्स को मैं एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। Come on, come on. Can we? सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और मनोज कुमार को बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने मुजफ्फरनगर के बारे में ये एक ऐसी फिल्म बनानी सोची और हरीश कुमार डायरेक्टर जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयत्न किया था आपको मालूम चलेगा कितनी अच्छी बनी है 1947 की बात तो इतना अच्छा ये माहौल 2013 में इतना खराब कैसे हो गया ये हम सब लोगों को बड़ा चिंतित करने वाला विषय है और मैंने यहीं से पुलिस वालों को फोन किया सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा खुद क्लास फेलो मुझको भी मालूम नहीं था उसने मुझे टीवी पर देख मैं टीवी वगैरह पे आता ही था काफी आप लोगों ने देखा होगा उसको मालूम चला उसने मुझे खुद फोन किया मैंने उसको पता किया भाई तुम कहाँ हो कहता मैं मुजफ्फरनगर का एसडीएम हूँ जहाँ दंगा हुआ मेरा खुद का क्लास चलो वहां का एसडीएम था और उसने अपनी आंखों देखी उसके सामने क्या हो रहा है वहां के मिनिस्टर क्या गड़बड़ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या गड़बड़ कर रहे हैं कैसे कैसे ये दंगा हुआ उसने बातें बताई मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पिक्चर चले लोग देखें मैं देव का और थैंक्स कहता हूँ देव ने मुझे बुलाया देव बहुत मेरा फैमिली का बच्चा है हमारा डैडी हमारे दोस्त हैं और डायरेक्टर साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब जो सोच कर इस फिल्म को बनाए मुझे देव ने बताया कि जो ट्रेलर तो आपने देख लिया है लेकिन आप फिल्म देखकर लोग खुश होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है और मैसेज बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो तो मज़ा आता है मेरी शादी दंगल हुई हाँ आपको बताऊँ ऐसी शादी तो सब कुछ कैंसिल करके एक बत्ती लगा के मोहल्ले में बैठी शादी परफ्यूम शादी की जब दंगे फैलते हैं तो कई बातें निकलती है और एक जोश होता है किस कारण से दंगे होते हैं कारण बाद में पता चलता है तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं अरे ये काम होता क्या इसके बीच में कईयों का कारण हो जाता है बिना कारण तो जोश होता है हम छोड़ेंगे नहीं हमार बदला लेंगे अरे चार बच्चे हमारे अस्पताल में हैं उनके भी बच्चे अस्पताल में लाएंगे उनको भी ये सब करता रहता है चार पांच दिन के बाद कोई नहीं चार पांच दिन के बाद में कोई देखने भी नहीं आता है बाल बच्चे आ रहे हैं वो पड़ा हुआ बेचारा कोई क्या कर रहा है ऐसा हो गया इसका इसकी टांग तोड़ दिया हमें टांग तोड़ेंगे यार क्या बात है अरे और आदमी बेहोश है यार क्या बताएं रोग का उसका ये हो गया फलाना हो गया अरे ये तो यार मतलब तुम्हें यार यार 15 दिन कोमा में अरे तो क्या 15 दिन की बात करता है यार ये तो 47 से पड़ा हुआ है कोमा में क्या बात कर हाँ 47 से पड़ा हुआ है ये 47 से पड़ा हुआ है 47
किसान से पढ़ा हुआ है, बोला हाँ, बीच बीच में होश में आता है, होश में आते पूछता है गांधी जी ने खाना खाया ठीक है। ये तब से चल रहा है। तो हम फिल्मों के जरिए हमारे डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि कहीं ये कहीं तो थम जाए,